हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम कुछ इस टाइप की फ़ोटो एडिट करने वाले हैं, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पे देख रहे हैं। मेरे भाई, ये स्नैपशीट का बहुत ही सीक्रेट ट्रिक है जिसके माध्यम से ये फ़ोटो एडिट हुआ है। मेरे भाई, आप सब बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं ना कि मेरे भाई आप ना स्नैपशीट से फ़ोटो एडिट करके दिखाइए, एंड स्नैपशीट में कैसे क्लियरिटी को डाला जाता है, सब कुछ स्टेप बाई स्टेप बताइए। तो मेरे भाई, आज ना मैं आप सभी को स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि आप ना स्नैपशीट एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे आप ना एकदम फ़ोटो को बहुत ही भौकाल तरीके से बना सकते हैं। तो सबसे पहले बिफोर फ़ोटो देख लीजिए एंड आफ्टर फ़ोटो देख लीजिए, पहले और अब में कितना ज़्यादा फ़र्क है, यहाँ पर आप लोग ध्यान से देख लीजिए। तो चलिए मेरे भाई, बिना किसी बकवास के इस वीडियो को हमें से स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे भाई, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि 69% कुछ वैसे लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो तो डेली देखते हैं मेरे भाई, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले मेरे भाई, इस फोटो को आपको क्या करना है, स्नैपशीट एप्लीकेशन में लेके चले जाना है, और लेकर चले जाने के बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना होगा, तो यहाँ सबसे पहले टूल्स को ऊपर क्लिक करना है। एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई, आप सभी को सबसे पहले यहाँ एक ब्रश दिख जाएगा, इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करके मेरे भाई सबसे यहाँ लास्ट वाला ब्रश को सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ अपने लिप के ऊपर थोड़ा सा रेडनेस डाल देना है, क्योंकि आगे चल के फ़ोटो में एक अलग सा लुक देने वाला है ये। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देंगे। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करेंगे। एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर हीलिंग होगा, देख लीजिए। हीलिंग के ऊपर क्लिक करके मेरे भाई जो भी आपके फेस के ऊपर दाग धब्बा होगा ना, उसको अच्छे तरीके से आप ना रिमूव कर लीजिएगा। जहाँ जहाँ आपके दाग धब्बा होगा वहाँ वहाँ से आप लोग आराम से रिमूव कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई रिमूव हो चुका है। उसके बाद यहाँ से इसको डन करेंगे। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करेंगे। एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ सेलेक्टिव वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, ब्राइटनेस को बढ़ा देना है। उसके बाद मेरे भाई फिर से टूल्स को ऊपर क्लिक करेंगे। एंड टूल्स को ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ टूल इमेज के ऊपर क्लिक करेंगे। एंड टूल इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ से स्क्रॉल करके जाएंगे और इसका एम्बियंस को इतना पे बढ़ा लेंगे। उसके बाद मेरे भाई अब आपको क्या करना होगा, फिर से टूल्स के ऊपर क्लिक करना होगा। एंड टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए टोटल कंट्रास्ट होगा, तो यहाँ पर क्लिक करना है और इसका हाई टोन को कम करना है, मीडियम टोन को थोड़ा सा कम कर देना है। उसके बाद यहाँ से डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से आप लोग बिफोर एंड आफ्टर देख लीजिए, पहले और अब में कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है। उसके बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, इस फोटो को डायरेक्ट यहाँ से शेयर करना है। कहाँ पे? तो लाइटरूम एप्लीकेशन में मेरे भाई इस फोटो को ना यहाँ से आप डायरेक्ट शेयर कर लीजिएगा। तो चलिए मेरे भाई फटाफट से हम क्या करते हैं ना, लाइटरूम एप्लीकेशन में ना इसी फोटो को ना हम शेयर कर लेते हैं। शेयर हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ ऑल फोटोज़ के ऊपर आप लोग क्लिक कीजिएगा। एंड ऑल फोटोज़ के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई आप सभी को मैं एक प्रीसेट का लिंक दूंगा जो कि मेरे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। बट मेरे भाई अभी आप लोग डिस्क्रिप्शन खोलने के लिए मत चले जाइए, क्योंकि इसका क्या प्रोसेस है क्या नहीं है वो सब कुछ पहले देख लीजिए, उसके बाद आप लोग एडिट कीजिएगा। सबसे पहले इस वाले प्रीसेट को लेना है और यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ पर देखिए कॉपी सेटिंग का ऑप्शन आएगा। कॉपी सेटिंग के ऊपर क्लिक करने के बाद मेरे भाई ऊपर सही के निशान पर क्लिक करना है और बैक जाना है, और उसके बाद मेरे भाई यहाँ थ्री डॉट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से क्या करना है, नॉर्मल पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करेंगे मेरे भाई वन क्लिक में देखिए हमारा फोटो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, एकदम भौकाल तरीके से। उसके बाद मेरे भाई क्या करना है, इसी फोटो को ना डायरेक्ट आपको शेयर करना है। कहाँ पर? तो पिक्सार्ट एप्लीकेशन में। पिक्सार्ट एप्लीकेशन में आने के बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, मैं जैसे बता रहा हूँ ना स्टेप बाय स्टेप आप लोग फॉलो कीजिएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई अपने हेयर को पहले तो एक बराबर ना उठा लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिए यहाँ टूल्स के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ स्विच के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर मेरे भाई वार्प होगा इसके ऊपर आपको क्लिक करना है।
एंड इसका मेरे भाई साइज को बढ़ा के ना अपने हेयर को अच्छे तरीके से ऊपर के साइड में ना खींच लेना है। देख लीजिए कितने भौकाल तरीके से हो रहा है। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से इसको डन कर देना है। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से स्क्रॉल करके जाना है, स्क्रॉल करके जाना है और यहाँ से मेरे भाई ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है। एंड ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ तो स्क्रॉल करके आना है और यहाँ देखिए स्टिकर होगा और यहाँ पर मेरे भाई ना आप ना एक PNG, ये PNG हर किसी के पास होता है। इस PNG को लेकर मेरे भाई यहाँ ब्लेंड के ऊपर क्लिक करके स्किन कर देना है और इसको यहाँ रखना है और एक को यहाँ रखना है। उसके बाद मेरे भाई इसका क्या करना है ना, ह्यू को थोड़ा सा छेड़छाड़ करके कलर ग्रेडिंग को चेंज कर देना है। आपको जो कलर बेस्ट लगे वो कलर आप रख लीजिएगा, उसके बाद यहाँ से डन कर देना होगा। इतना काम हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से ड्रा वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके इस फोटो को ना सेव कर लेना है। सेव हो जाने के बाद मेरे भाई यहाँ से क्या करना, अपने गैलरी को ओपन करना है। एंड गैलरी को ओपन करने के बाद मेरे भाई आप सभी को क्या करना है, यहाँ से इस फोटो को ना डायरेक्ट यहाँ से शेयर कर देना है। कहाँ पे? तो ऑटोडेस्क स्केच बुक एप्लीकेशन में। उसके बाद मेरे भाई यहाँ से क्या कीजिएगा ना, तो यहाँ पर लाइब्रेरी में आ जाइएगा। एंड लाइब्रेरी में आने के बाद मेरे भाई यहाँ से इस वाले ब्रश को सिलेक्ट कर लीजिएगा। इस वाले ब्रश को सिलेक्ट करने के बाद मेरे भाई यहाँ से देख लीजिए सेटिंग को सेम टू सेम रखना है, फ्लो को 2 रखना है, स्ट्रेंज को 9 रखना है। उसके बाद कट करना है और अपने फेस को जूम करना है मेरे भाई, और जूम करने के बाद अच्छे तरीके से ना अपने फेस के ऊपर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई कितने अच्छे तरीके से मैं अपने फेस के ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ और हमारा फेस भी स्मूथ हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से ना आपका भी फेस स्मूथ होना स्टार्ट हो जाएगा मेरे भाई, जैसे कि आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कितने अच्छे तरीके से हमारा फेस स्मूथ हो रहा है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं एक फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।